कुछ प्रोग्राम है एंड प्रोग्राम कहाँ पे है, क्या प्रोग्राम है, ऐसे रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं बना पाती हूँ। अधिकारी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 5:44 आई थिंक ऐसा कुछ बच रहा है एंड अभी अभी मैं उठी हूँ, मैंने ब्रश भी नहीं किया है एंड मैं आ गई वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। एंड हाँ, आज संडे है 9th of April एंड ये वीडियो मतलब मैं कल डालूँगी तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड जो कि है इस वीडियो मतलब आज कुछ प्रोग्राम है एंड वो प्रोग्राम कहाँ पे है, क्या प्रोग्राम है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं बाद में बताऊंगी धीरे धीरे आप लोगों को कि क्या होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है? तो देखते रहिए एंड क्या है, अभी मैं ब्रश करूँगी फिर नहाऊँगी एंड देन उसके बाद मैं धीरे धीरे तैयार हो जाऊँगी क्योंकि 8 बजे तक हमको निकलना है घर से। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्या होता है एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं ऐसे रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं बना पाती हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो यार वॉच टिल द एंड, मैं आती हूँ अभी अभी। गाइस मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, मतलब नहा के और ब्रश करके आ चुकी हूँ एंड मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बाद में खा लूँगी। एंड पहला जो काम है वो है मेकअप, फेस मेकअप। मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ बट मैंने कुछ है मेकअप प्रोडक्ट्स ये एंड इससे मैं करने वाली हूँ अभी फेस मेकअप एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट टेक्स अप्रॉक्स 2 आवर्स। तो मैं फटाफट से पहले मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? सो या मतलब कीप वॉचिंग। सो गाइज आई एम फुली रेडी, डन विथ माई मेकअप एंड देख सक रहे हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा एंड या मैं फुली तैयार नहीं हुई हूँ एक्चुअली, वहाँ पे जाके मुझे करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट, इट्स 8:40 आई गेस। या एंड हाँ, ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली एक फेस्टिवल है जो NDARC ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो हमारे सर है डांस स्कूल का, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सो या बाहर बाहर से भी बहुत पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड मैं 2 परफॉर्म करने वाली हूँ एक्चुअली, एक सोलो में और एक ग्रुप में। और सोलो में जो करने वाली हूँ वो है क्लासिकल जो कि है भरतनाट्यम, अभी मैं जो मतलब आप लोग देख सकते हो, एंड ग्रुप में वो कुछ अलग ही होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड या चलते हैं अभी। मम्मी जी पहुँच चुके हैं बोंगाईगांव में एंड मेरे साथ देखो कौन है, अपना नाम बता दो। मेरा नाम अनन्या है। ओके, शी इज़ माई सिस्टर। ओके, और ये है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है आज, मतलब फेस्टिवल, एंड लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं अंदर एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे बट हमने आके देखा कि अभी भी रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब प्रोग्राम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फ़िलहाल ये अच्छा तो हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गया है, सब लोग अपनी एंट्रीज करवा रहे हैं क्योंकि बाहर बाहर से बहुत लोग आए हैं एंड एंट्रीज़ करवाने के साथ साथ ही आप लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है ताकि वो एक मेमोरी मतलब मेमोरी जैसा रह जाए कि आप लोगों ने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था या फिर पार्टिसिपेट किया था। तो वही एंड इन लड़कियों को देखो, ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये भी NDARC का स्टूडेंट्स ही है जो लोग बहुत मदद करते हैं हर काम में और इनका काम यही है आज के लिए कि ये लोग स्टूडेंट्स की एंट्रीज करवाएंगे एंड उसको आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे उनके हिसाब से एंड उस आइडेंटिटी कार्ड में वो भी लिखा हुआ होता है अपना नाम, अपनी एंट्रीज एंड अभी मैं भी लूँगी, मेरी एंट्री करवाना हो गया है तो लेट्स गेट इट। मुझे भी मिल गई देखो, तो अभी चलो अंदर चलते हैं। यह है हमारी स्टेज अंदर का एंड सर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं आराम से एंड ये है फुल ऑडिटोरियम जो कि अभी बिल्कुल खाली है। गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड लेट्स सी हाउ आर यू विद मी स्टार्ट, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, थैंक गॉड बच गए हम लोग।
तो ये है हमारे एंकर जो आज के प्रोग्राम के लिए एंकरिंग करने वाले हैं, एंड अभी हमारे सर लोगों को बुलाया जाएगा स्टेज पे उनको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है एंड हमको इतना सुंदर एक अपॉर्चुनिटी मिला है परफॉर्म करने के लिए, अपने टैलेंट एक्सप्रेस करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइटिंग ऑफ द लैम्प हो रहा है जो सर लोग कर रहे हैं, एंड जैसे कि नटराज को हम पूजा करते हैं तो उनके सामने एक दिया जला रहे हैं। एंड कुछ भी काम करने से पहले और या फिर कुछ भी इवेंट शुरू करने से पहले अगर हम लाइटिंग ऑफ द लैम्प करें तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सो वही सर लोग अभी कर रहे हैं। सो अभी है मेरी परफॉर्मेंस की बारी, जो आप लोग देख सकते हो स्टेज पे मैं हूँ, एंड आई कैन नॉट यूज़ द ऑडियो गाइस क्योंकि मुझे कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा डर है। एंड या तो यही है मेरी परफॉर्मेंस, आप लोग देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा क्लिप ही डाला है क्योंकि ये अप्रॉक्स 9 मिनट का सॉन्ग है टोटल, तो इतना ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं डाल सकती यहाँ पे, आप लोग इतना ही देख लीजिए। आई होप सब लोगों को अच्छा लगा, बट मेरा परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं था। सेकेंड परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो चुके हैं, एंड दिस इज होल अनदर कॉस्ट्यूम, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैंने थोड़ा सा मेकअप भी ठीक कर लिया, तो ये भी रेडी हो चुकी है। देखो ग्रुप मेंबर्स आ चुके हैं, अनिशा, ये एंड अभी ये हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस की बारी जो कि आप लोग देख सकते हो। हमारा जो ग्रुप डांस है वो खत्म हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग पानी पूरी खा रहे हैं, एंड हम लोग खाएंगे पापड़ी चाट। सुंदर, परम सुंदर। और वो रही मेरी मम्मी। आंटी हाय बोलो। हाय हाय सब लोग। हाय हाय। एंड अभी बारी है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हूँ मैं, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ख़त्म हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, एंड मैंने अपने मौसी के साथ भी मीट कर लिया है, एंड ये सी एस आर ट्रॉफी सर्टिफिकेट ये सब कुछ मिल चुका है मुझे। तो अभी चलते हैं कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद घर नहीं हम लोग अपने घर जाएंगे। देखो बेचारा इसका चप्पल नाले में गिर गया। अभी हम लोग होटल पे आए हैं क्या खाने के लिए, क्या खाने के लिए बोलिए, खाने से पहले जरूर हाथ धोना चाहिए, है कि नहीं? हाँ एकदम। अभी हम लोग जाएंगे घर पे। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, ये देखो मम्मी, और हाँ हमारे साथ पापा भी गए थे आज। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी। देखिए ये सनलाइट पे मेरा मेकअप कैसा दिख रहा है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। ओह माय गॉड, ये लुक कुछ इस तरीके का था, एंड दिस रूम इज़ फुल मेस्ड।
ये मेरे बेड का हाल देखो, और ये जो है पांडा कुछ कुछ कुछ, ये मेरे मम्मी ने खरीद के लाया था। मामा की बेटी है ना, वो ये ऐसा एलिफेंट उन्होंने लाया था, फिर मैं चुप गई तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने भी मम्मी को बोला कि मैं भी खरीदूँगी। फिर मैं एक दिन गई थी एंड मैंने जाके देखा कि वो ख़त्म हो चुका था। एंड कल जब मम्मी गई मॉल पे तो मम्मी को मिल गया एंड मम्मी मेरे लिए लेके आई। तो हाँ, अभी मैं फ्रेश होके फिर ये सब थोड़ा सा साफ करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करूँगी एंड मैं रेस्ट भी करूँगी। सो या कीप वॉचिंग। हाई, आई एम बैक एंड इट्स 5:48 PM नाउ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं फ्रेश होकर फिर आके आप लोगों से बात करूँगी। मैं फ्रेश हो गए, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करी थी एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को ही कंटिन्यू कर लूँ। तो मैं आ गई एंड या आते आते बहुत ज़्यादा देर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता अगर हम लोग आ जाते। तो बीच में ऐसा हुआ कि खाने के बाद ना हम लोग एक मतलब इंसिडेंट हो गया, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। खाने के बाद जब हम लोग होटल से निकल रहे थे तो मम्मी पापा और वो जो आंटी थे ना, तो वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे एंड मैं और मेरे साथ जो एक दीदी थी, मतलब मैंने जो बोला था कि मेरे सिस्टर जैसा है, तो हम लोग आके पहले ही बैठ गए ऑटो में। एंड ऑटो का जो अंकल है वो पीछे से जब वैसा स्टार्ट कर रहा था ऑटो को, तो पता नहीं अचानक से ऑटो ऐसे टर्न होके वो फुटपाथ के ऊपर चला गया एंड अंकल दौड़ते दौड़ते आके फिर उसको गियर को ठीक करा, क्योंकि उसका गियर जो है वो न्यूट्रल में नहीं था। एंड वी वर लाइक, ये क्या हो गया हमारे साथ? अगर वो ऑटो चलते चलते कहीं और चला जाता तो हम लोग तो आज पता नहीं क्या हो जाता हम लोगों को। एंड हाँ, ये हुआ, भगवान करे हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद वहाँ से हम लोग आते आते फिर हम लोग भाई के साथ भी मीट करने गए थे। ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं था बट ये सडन प्लानिंग हुआ। ऐसे मैंने बोला मम्मी को कि चलो अब बीच रास्ते में उसका हॉस्टल है तो देख के चलते हैं। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग उसको मीट करके फिर हम लोग चले आए। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहे हूँ, मैं ऐसा बोला था कि ये नेशनल फेस्टिवल है बट नहीं, मैंने थोड़ा गलती कर दी उसमें, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फेस्टिवल्स अटेंड करने में, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत मतलब बहुत अलग अलग स्टेट कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो लोग परफॉर्म करते हैं, अपना खुद का जो फॉर्म है डांस फॉर्म वो प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड हाँ, इस बार ऐसा बांग्लादेश से भी आया हुआ था, मुझे पता नहीं कितने लोग आए थे बट हाँ आए हुए थे, एंड कोलकाता से भी, ओडिशा से भी, फिर नौगांव, तो बहुत बहुत सारे जगह से आए हुए थे। एंड हाँ, उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट किया तो अच्छा लगता है देखने में, और हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैंने बोला, दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो मैं बोल सकती हूँ अभी। एंड या ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मेरा परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि क्या हो गया था, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि मेरा प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं फुल मतलब एक गैप हो गया था बीच में और मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो इसलिए जब शायद मैं बोंगाईगांव गई थी, मैं बोंगाईगांव गई थी, यस, मौसी के घर, वहाँ पे मैं रहने के लिए, मतलब कई दिनों के लिए, तो मैं वहाँ पे रह रही थी। वहाँ पे बिल्कुल भी मेरा वो नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद मैं आई थर्सडे को आके जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी तो मेरा पैर इतना ज़्यादा दुखने लगे, तब मैंने रियलाइज़ करा कि ये जस्ट बिकॉज इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया है। एंड आज पहले स्टार्टिंग तक बहुत अच्छा गया, लेकिन लास्ट में जाके ऐसा मतलब पूरा दिख रहा था कि लैक ऑफ एनर्जी जो है वो हो रहा था। एंड इसीलिए आई कैन नॉट से ये मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, मतलब मैं ये खुद रियलाइज़ करती हूँ अभी, मतलब कर रही हूँ एंड रिग्रेट भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था अच्छे तरीके से। बट या नेक्स्ट टाइम आई विल डू प्रैक्टिस एंड मैं फुल तैयार होकर जाऊँगी। एंड या अवार्ड तो मिला, मतलब ग्रुप में भी और जो सोलो परफॉर्म किया था दोनों के लिए अवार्ड मिला मतलब। एंड या अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर पाती। सो बात यह है कि एक तो मेरा कोई पर्सनल ऐसा फ़ोन नहीं है या तो फिर डिवाइस नहीं है जिससे मैं वीडियो बना सकती हूँ। एक है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है, ये आप लोग देख सकते हो, ओप्पो A37F जो कि बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है। इसका ओनली 2 GB रैम है एंड ऐसा नहीं है कि नया है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, ये मेरी मौसी पहले यूज़ करती थी तो वही मैंने लिया है जस्ट बिकॉज कभी नोट्स वगैरह लगता है तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, तो ये मैंने किया। इसमें बहुत स्ट्रगल करके मैं अपना व्हाट्सअप चलाती हूँ एंड इसमें
मैं ज़्यादा सॉन्ग्स भी डाउनलोड नहीं कर सकती, फोटोज़ भी नहीं खिंचवा सकती, ये बहुत ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, तो इसलिए। एंड हाँ, इसका और एक बात है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसका जो स्विच है ना, ये वाला स्टार्ट बटन, ये भी काम नहीं करता है। आप लोग देख सकते हो इसमें ना ये कैसा हो गया है, क्योंकि अभी तो मैंने सेटिंग कर लिया है, इसको डबल टैप करने से ये ऑन हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं होता है। बट इसका जो स्टार्ट बटन है, अगर मुझे कभी भी रीस्टार्ट करना पड़ता है या फिर मैं स्विच ऑफ करूँ फ़ोन, तो इसको ना पिन से ऐसा ढकलना पड़ता है, उसके बाद ही जाके ये कुछ काम करता है। एंड हाँ, यही हुआ प्रॉब्लम मेरे साथ, मैं इससे तो वीडियो बना नहीं सकती। और अभी जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ वो है मेरी मम्मी की, एंड मेरी मम्मी जाती है स्कूल में, सुबह जाती है, एंड आते आते तो इवनिंग हो ही जाता है, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, तो ब्लॉग तो इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता है ऐसा ब्लॉग। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यू नो कंटिन्यू रखने के लिए मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती हूँ, ताकि एकदम से यू नो स्टॉप हो ना जाए, मतलब ऐसा हो जाए ना कि मैं घोस्टिंग कर रही हूँ, कभी वीडियो डाल रही हूँ तो 6 महीने बाद फिर एक वीडियो डाल रही हूँ। तो शॉर्ट्स डाल के मैं ऐसा थोड़ा सा एक्टिव रखती हूँ अपने चैनल को, तो बस वही। ओके, मेरा जगह अभी चेंज हो चुका है, मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ। एंड हाँ, तो प्रॉब्लम यही है, एंड मेरे पास कोई अच्छा सा ऐसा डिवाइस तो नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे रेगुलर व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ, मतलब बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ समझिए, एंड मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि चलो वीडियोज़ डालती हूँ, थोड़ा सा वीडियोज़ बनाऊँ, ऐसा मतलब फील होता है। तो अभी मेरा वेकेशन चल रहा था, एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैंने मौसी के घर गई थी, तो बीच में मैं गुवाहाटी भी गई थी, वहाँ पे भी मैं रह चुकी हूँ फॉर अप्रोक्स 1 वीक, एंड वो सब मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, जैसे मैंने बोला आप लोगों को। एंड या तो अभी वेकेशन ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, मतलब कल से क्लास स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि देखते देखते मैंने 11th का फाइनल एग्ज़ाम भी दे दिया, मतलब दे दी या फिर जो भी बोलो, एंड उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है, एंड एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुका है, एंड कल से क्लास भी स्टार्ट होगा, बट मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं लाया। एंड मैंने हाँ, मुझे लिस्ट मिल गया, बट मैंने स्कूल में जाके वो जो फॉर्मल शीट है वो मैंने नहीं लाया, एंड मैंने एडमिशन भी नहीं करवाया अपना। सो शायद मैं कल जाऊँगी। अभी मैं जा चुकी हूँ क्लास 12th में, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आने वाला है, मतलब पढ़ाई का, क्योंकि बोर्ड्स हैं, 12th का बोर्ड्स है नेक्स्ट ईयर, तो वो अच्छे से मुझे देना पड़ेगा। एंड मैंने सोचा है कि इस बार अच्छे से मैं पढ़ाई करूँगी और मैं एग्ज़ाम दे के थोड़ा सा अच्छा सा रिज़ल्ट लाऊँगी, क्योंकि हर पेरेंट्स को मतलब ये चाहिए होता है कि अपना बच्चा अच्छा सा रिज़ल्ट करे, गुड मार्क्स लाए, तो वही मैं करना चाहती हूँ। यही थी आज की व्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं कब वीडियोस अपलोड करती हूँ या फिर ब्लॉग्स। एंड आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, इतना फीका फीका सा है, मतलब कोई बताता भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, प्लीज़ बताओ। एंड या अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी, एंड फिर उसके बाद मैं, मुझे पता नहीं मैं कब उठूँगी। चलो बाय, ख़त्म करते हैं वीडियो को यहाँ पर।